बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित 2024 मैट्रिक की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार से शुरू हो गई। बिहार के 38 जिला में मैट्रिक परीक्षा को लेकर कुल 1585 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,94,781 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 8,22,587 छात्र और 8,72,194 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं दो पालियों में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शिक्षा विभाग और परीक्षा समिति द्वारा परीक्षार्थियों को जूता मौजा पहनकर अंदर आने पर रोक लगी रही, जबकि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए मोबाइल समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। पहले दिन मातृभाषा हिंदी की परीक्षा हुई और पहली पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे एवं दूसरी पाली की परीक्षा के लिए दिन के 1:30 बजे प्रवेश दिया गया। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक हुई, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दिन के 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हुई। जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 4 आदर्श परीक्षा केंद्र समेत कुल 57 केंद्र बनाए गए हैं। इधर भागलपुर शहरी क्षेत्र में बनाए गए 41 परीक्षा केंद्रों में से 28 सेंटर छात्रों के लिए जबकि 13 सेंटर छात्राओं के लिए बनाया गया है। आदर्श परीक्षा केंद्र जिला स्कूल को छात्राओं के लिए और CMS स्कूल को छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। बिहार में विधायक बीमा भारती के पति व बेटे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी बीमा भारती को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीमा भारती को लगता है कि उनके पुत्र और पति की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ है, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। गोपाल मंडल ने कहा कि बेटा व पति के नाम से हथियार का लाइसेंस नहीं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं बीमा भारती को फोन पर धमकी देने वाली घटना पर विधायक ने बताया कि उनका और बीमा भारती का क्वार्टर अगल बगल में है। किसी ने उन्हें फोन पर धमकी दी। जब उनकी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो विधायक ने फोन लेकर धमकी देने वाले को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने में भले बीमा भारती का हाथ हो, लेकिन सरकार तो अब बन गया है, तो फोन करने वालों ने विधायक को भी गाली देना शुरू कर दिया। वहीं उनसे पूछा गया कि धमकी देने वाला कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ दारू पिए लोग ऐसा करते हैं, वह भूमियार वर्ग के लोग हैं, वही अलबल करते हैं, जान मार देंगे, गोली मार देंगे, यह सब वही लोग अलबल आते हैं। बता दें कि बीते दिनों बीमा भारती ने मीडिया से मुखातिब होकर मौजूदा सरकार पर पति व पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बात करते हम जब गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार ने ऐसा करवा रहा है, सो बात नहीं है। उनके हस्बैंड, उनके बेटा दोनों आदमी एक गाड़ी पर था और उनकी पत्नी, उनकी बेटी एक गाड़ी पर थी, अलग अलग। तो जैसे कोई पुलिस चेक किया, वो तो पत्नी है, बेटा निकल गया, बेटी निकल गई। अब बेटा के नाम से लाइसेंस नहीं था, पति के नाम से लाइसेंस नहीं था, इस पर पुलिस ने पकड़ा, पकड़ के लौटा के ले गया, हाजत में बंद किया। वो तो चलना अवैध है, धमकी दिया है, धमकी सामने हम भी थे, हमको खबर किया, चूंकि एक ही जगह है, हम लोग तो रिलेटिव आदमी है ना, उनको गाली गुलौज किया, कहाँ से राजस्थान से गाली गुलौज करने लगा सब कुछ। उनकी बेटी चिल्लाने लगी, हम सोचे एक ही दीवार है भाई, क्या बात है, तब हम गए दो हमको। हम जब कह, अरे भाई सरकार गिराने में ठीक है, इनकी हाथ है, लेकिन सरकार बन गई ना। हम विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं, हम सरकार बना के मौजूद हैं, ये कोई दूसरा नहीं हमारा है, गाली गलौज काहे करते हो, हमको भी भद्दी भद्दी गालियां दे दी, तब हम भी बिगड़े उसके ऊपर। माता सरस्वती की पूजा को लेकर भागलपुर समेत पूरे देश और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों ने वसंत पंचमी पर मां शारदे की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर विद्या, सुख, समृद्धि की कामना की। इसको लेकर स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, विभिन्न मोहल्लों और अलग अलग जगहों पर सरस्वती पूजा समिति की ओर से धूमधाम से पूजा समारोह आयोजित किया गया। एक और जहां माघ मास शुक्ल पक्ष वसंत पंचमी को लेकर बुधवार को मां शारदे की पूजा की गई, तो वहीं गुरुवार को भी यह
का सिलसिला जारी रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार को बेटी की विदाई नहीं की जाती है और सनातन संस्कृति में सभी देवी और मातृ शक्तियों को बेटी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए गुरुवार को अधिकतर जगहों पर विसर्जन पूजा नहीं की गई। शुक्रवार को माँ सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जबकि गुरुवार को खिचड़ी भोग समेत कई तरह के आयोजन पूजा समिति के द्वारा किए जाएंगे। आमतौर पर विद्या और संगीत कला की देवी माता सरस्वती की पूजा छात्र छात्राओं और युवाओं के द्वारा की जाती है, लेकिन काफी संख्या में ऐसी पूजा समिति है जिनके द्वारा लंबे अरसों से वसंत पंचमी पर हर्षोल्लास के साथ माँ शारदे की पूजा की जाती है। वहीं बदलते समय के साथ छात्र छात्राओं और युवाओं द्वारा पूजा के बाद मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास टीओपी क्षेत्र अंतर्गत टुट्टा पुल के समीप जगदीशपुर बाईपास पुलिस ने दो बकरी चोर को धर दबोचा। बता दें कि चोर बकरी को कार की डिक्की में बंद कर धौरैया से भागलपुर आ रहा था। इसी बीच गंगटी के समीप गोराडी पुलिस ने शराब की शंधे पर कार को रोकने का प्रयास किया और वेरिकेटिंग लगाया, पर पुलिस को देखकर चोरों ने वेरिकेटिंग को तोड़कर भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद गोराडी एवं जगदीशपुर पुलिस ने कार का पीछा किया पर उसे पकड़ने में असफल रहे। चोर का रास्ता आगे से रोकने के लिए बाईपास थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई और बाईपास थाना पुलिस ने सामने से चोर का रास्ता रोक लिया। पुलिस से बचने की दौड़ में चोर की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों चोर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी की गई दो बकरी और कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है। गाड़ी कुचलते हुए जा रही है रफ्तार में, जो उसको रोकना है हम लोग ढटकर लगाए, लेकिन ढटकर को उड़ाते हुए निकल गए और उसी का चक्का लगा कि पंचर हो गया और चक्का पंचर होने के बाद रीमे पे वो भागते भागते यहाँ तक आया जी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को चार सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ता राजकुमार ने शहर के नागरिकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ता राजकुमार ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर लगातार मांगे की जा रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत रेल विभाग के अधिकारियों से सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना की शुरुआत करने, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेन का ठहराव करने, कोरोना काल में बढ़ाए गए किराए को कम करने समेत यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य मांगे भी की गई, लेकिन अब तक इस पर किसी से भी आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे तंग आकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं डब्लू मंडल ने मांग पूरा नहीं होने पर सरकार एवं रेलवे अधिकारियों को आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा, जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार, गणेश कुशवाहा सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मांगों को लेकर आज हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया गया है। हमारी मांगे है कि सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना जो 2001 और 2008 में स्वीकृत हुई थी, उस दोनों परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, जिस कारण से वो परियोजना चालू नहीं हुई है। अगर ये परियोजना चालू अगर हो जाए, ये मेरा अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उसका जीवन यापन का रहन सहन का स्तर उच्च होगा।
बुधवार को भागलपुर बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में तीसरे वेतन रिवीजन की मांग को लेकर बीएसएनएल एनएफटीई यूनियन कर्मियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भागलपुर बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में यूनियन की ओर से थर्ड पीआरसी लागू कर अफोर्डेबिलिटी नियम में छूट देने, अधिकारियों की तरह नई प्रमोशन पॉलिसी बनाकर लागू करने एवं एटीटी टीटी जेई जेटीओ और जेएफओ की विभागीय परीक्षा के लिए सही गणना कर एलआईसीई को निर्देश जारी करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई। साथ ही थर्ड पीआरसी वेतन रिवीजन को प्रधानमंत्री को भेजे जाने की बात भी कही गई। यूनियन के सुनील कुमार सिंह ने कहा कि उन सभी के द्वारा यह प्रदर्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा, जबकि 16 फरवरी को यूनियन के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पूर्व मंगलवार को भी बीएसएनएल जीएम कार्यालय परिसर में यूनियन की ओर से जमकर हंगामा किया गया था। मौके पर सुनील कुमार सिंह, काली प्रसाद यादव, जयराम शर्मा, सुरेंद्र कुमार, अरशद अली और मोहम्मद रहमान समेत काफी संख्या में बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। भागलपुर में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति एवं विद्या भारती द्वारा सरस्वती पूजा के अवसर पर आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में सरस्वती पूजोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान माता शारदे की पूजा के साथ 16 संस्कारों में से एक विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों का वैदिक रीति नीति से विद्यारंभ संस्कार करवाया गया। इस दौरान भागलपुर विभाग के विभाग प्रमुख विनोद कुमार एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष अतुल कुमार ढंडनिया, भीष्म मोहन झा समेत विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। नगर रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मां शारदे की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच पूजा की गई, जहां बच्चों के साथ अनाथालय परिवार के सभी सदस्यों ने भी माता के दर्शन किए। साथ ही विद्या की देवी मां सरस्वती से बुद्धि और विद्या की कामना करते हुए पूजनोत्सव कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। सुल्तानगंज के स्टेशन रोड स्थित सत्संग गली में मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर वसुदेव रामुका के द्वारा कोचिंग के छात्र छात्राओं के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया गया। इस दौरान पूरे सत्संग गली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइट एवं फूल से सजाया गया था, जहाँ सरस्वती प्रतिमा को देखने के लिए काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा सुल्तानगंज प्राइवेट बस स्टेशन के समीप एलिमेंट्री स्कूल में भी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करते हुए पूरे विधि विधान से मां शारदे की पूजा की गई। साथ ही थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर भागलपुर सोनौला मध्य विद्यालय श्रीमतपुर में छात्र छात्राओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सुई धागा दौड़ प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लेकर इसका आनंद उठाया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष जय मां शारदे क्लब श्रीमतपुर की ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। मौके पर भवेश कुमार, नीरज मंडल, बुलबुल सागर समेत क्लब के अन्य कार्यकर्ता एवं बच्चे मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के सनौला, सनोखर, अमडंडा, बेल्डिया समेत अन्य स्थानों पर भी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है।